नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पाठ 13 पर बात करेंगे और पाठ का शीर्षक आपको पता है, चुंबकत्व भाग 3। हमने पहले दो भाग में बहुत सारे जो हैं क्रियाकलाप करे और हमने ये भी जाना कि हम चुंबक जो है उसके द्वारा मजे में कुछ क्रियाविधि करके कैसे उसे हम पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करने वाले हैं बच्चों, उन्हें आप नोट कर लें। ये देखिए, चुंबकीय प्रेरण क्या है ये हम जानेंगे, और हम चुंबकीय पदार्थ को चुंबक हम कैसे बना सकते हैं वो भी जानेंगे। हम आज उस पर भी चर्चा करेंगे कि जो अचुंबकीय माध्यम है उस पार, उसके दूसरी तरफ जो है वो चुंबक का प्रभाव कैसे पड़ता है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे उचित रख रखाव के अभाव में चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। हम नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ चुंबकीय रक्षकों की बात करेंगे, और आज हम एक बहुत मज़ेदार बात जानेंगे कि जो पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, है ना, वो एक चुंबक के रूप में कैसे हम उसे जानेंगे उस बारे में, और हम चुंबक के उपयोग पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं चुंबकीय प्रेरण से। इसके लिए आपको जो आवश्यक सामग्री चाहिए उसे नोट कर लें। आपको एक शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता है और कुछ लोहे की कीलों की। यहाँ विधि आप पढ़ लें। देखिए क्या करना है आपको, एक शक्तिशाली चुंबक के एक सिरे पर एक कील तो लोहे की होती है आपको पता है, उसे लाइए। क्या होगा, आपको पता है कि शक्तिशाली है चुंबक, तो जो कील है वो चुंबक से चिपक जाएगी कुछ इस तरह, दिख रहा है ना। अब इस कील के जो स्वतंत्र सिरा है, यानी नीचे वाला जो सिरा है, उसके समीप आप दूसरी कील लाएंगे। क्या होगा, क्या यह कील भी चिपक जाएगी? शायद आपने ये करा भी होगा, और नहीं करा है तो इसे ज़रूर करिए। देखिए क्या होता है, मुझे पता है, तो उसके नीचे भी दूसरी कील चिपक जाएगी। आपको भी ये पता है, और नहीं पता तो करके देखिए। तो इस प्रकार चिपकने वाली कीलों के जो स्वतंत्र सिरे हैं उससे देखिए सारी अन्य कीलें जो हैं वो चिपकी रहती हैं, और इनके चिपके रहने से वहाँ पर कीलों की एक श्रृंखला बन जा रही है ना। तो यदि आपका चुंबक शक्तिशाली हो तो यह श्रृंखला लंबी बनती जाती है, और इनमें से प्रत्येक कील जो है वो एक चुंबक के समान कार्य करती है ना। अब क्या करेंगे आप, जो ऊपर वाली कील है उसको पकड़कर चुंबक से अलग कर दीजिए। क्या होगा, यदि चुंबक कील के पास हो, भले ही उसके स्पर्श में ना हो, तो अन्य कीलें जो हैं वो नहीं गिरेंगी, क्योंकि पास में चुंबक का प्रभाव है ना। तो वो जो कील है सबसे ऊपर वाली जो चुंबक के पास है, उस पर प्रभाव होने से वो भी एक चुंबक की तरह कार्य कर रही है ना। इसलिए जो अन्य कीलें हैं वो उससे चिपकी रहती हैं, परंतु अगर हम चुंबक को हटा लेते हैं और दूर कर देते हैं तो जो सारी कीलें हैं वो गिर जाएंगी। क्योंकि आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, चलिए उत्तर लिखिए और बताइए ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ, यहाँ देखिए, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के समीप रखने पर उसमें अस्थायी रूप से चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है ना बच्चों। और जैसे ही हम चुंबक को हटा लेते हैं, तो चुंबक को हटा लेने पर क्या होता है, उसका चुंबकत्व जो है वो समाप्त हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और वह चुंबक जिसके कारण प्रेरण की क्रिया होती है उसे हम प्रेरक चुंबक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चुंबकीय पदार्थ को चुंबक कैसे बनाएं इस पर बात करेंगे। ठीक, इसके लिए आपको क्या चाहिए नोट करें, आवश्यक सामग्री, नरम लोहे की ऐसी आयताकार पट्टी लेंगे आप, और एक शक्तिशाली चुंबक। ठीक, जो नरम लोहे की पट्टी है उसको लकड़ी के टेबल पे आप रखेंगे। ठीक, और रखने के बाद एक शक्तिशाली चुंबक जो है उसके उत्तरी ध्रुव को उसके एक सिरे के पास लाएंगे, तो उसे दूसरे सिरे तक रगड़ कर ले जाइए। मतलब एक सिरे से शुरू करेंगे और दूसरे सिरे तक उसको रगड़ कर ले जाएंगे। जैसे ही दूसरे सिरे पे पहुँचे, फिर चुंबक को उठाइए
और इस प्रकार को इस पे रगड़ कर कई बार इसे दोहराए। ठीक है, इस दौरान इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए, ना तो रगड़ने वाले चुंबक का ध्रुव बदले और ना ही रगड़े जाने वाले जो दिशा है उसे बदलें। ठीक, यहाँ से शुरू करें। देखिए इसमें दिख रहा है आपको, ये आपके पुस्तक में भी दिया है, इसे ज़रूर देखें और इसी क्रिया को आपको करना है बार बार। ठीक है बच्चों, क्या होगा, अब जो नर्म लोहे की पट्टी है उसके चुंबकत्व का हमको परीक्षण करना है। क्या देखेंगे आप, आपने देखा होगा ये जो पट्टी है उसके दोनों सिरे किसी स्थायी चुंबक के दोनों सिरों के समीप लाने पर पट्टी का जो प्रारंभिक सिरा था वो उत्तरी ध्रुव और जो दूसरा सिरा था वो दक्षिणी ध्रुव होगा। कहने का मतलब कि हम उस पट्टी में चुंबकत्व ला सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और बात करते हैं, ये है अचुंबकीय माध्यम के उस पार चुंबकत्व का प्रभाव, है ना। मतलब जहाँ तक चुंबक है वहाँ तक के तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर वो दूर है तो क्या होगा, चलिए इसे भी देखते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक सामग्री क्या चाहिए, देखिए इसके लिए आपको चाहिए एक शक्तिशाली चुंबक, ड्राइंग पेपर और लोहे का बुरादा। ड्राइंग पेपर जो आपने लिया है उस पर लोहे का बुरादा जो है उसे आपको फैला देना है। ठीक, अब चुंबक जो है उसको उस पर घुमाइए। अब यहाँ पर आपको लकड़ी या अन्य अचुंबकीय पदार्थ जो हैं वो चुंबक और लोहे के बुरादे के बीच रखकर इस प्रयोग की पुनरावृत्ति कीजिए। क्या होगा, चुंबक के साथ साथ लोहे के बुरादे जो हैं, देखिएगा वो चुंबक को पेपर के दूसरी ओर से जैसे ही आप घुमा रहे हैं तो वो लोहे का बुरादा भी उसके साथ साथ ऊपर घूम रहा है, लेकिन बाकी अचुंबकीय पदार्थ घूम रहे हैं क्या। देखिए करके इसे और बताइए कि हमने अचुंबकीय माध्यम के उस पार, क्योंकि हम इस तरह की कुछ हमको आकृतियाँ मिलेंगी, दिख रहा है आपको। इस प्रयोग से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अचुंबकीय माध्यम के उस पार भी चुंबक का प्रभाव बना रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम पहले ही जान चुके हैं कि अगर हम चुंबक का उचित रखरखाव नहीं करते तो उसके अभाव में चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है, हमने पहले बात की थी। तो हम ये कैसे सिद्ध करें, इसके लिए भी हम एक प्रयोग कर सकते हैं जिसकी आवश्यक सामग्री यहाँ लिखी है। देखिए, एक शक्तिशाली चुंबक, लोहे की छड़ लेंगे, हथौड़ा लेंगे और लोहे का बुरादा। अब आपको क्या करना है कि जो लोहे की छड़ है वो उस बुरादे में डाल दीजिए जो लोहे का बुरादा है। क्या हुआ, छड़ निकाल के देखिए तो लोहे का बुरादा चिपका क्या उसमें, नहीं चिपका। ठीक, आप इस छड़ को आप टेबल पर रखकर शक्तिशाली चुंबक से रगड़िए, ठीक, और उसे चुंबकित कर दीजिए। अब उसे वापस लोहे के बुरादे में डालिए और निकालिए। अब आपने क्या देखा कि जो लोहे की छड़ थी उसमें पहली बार तो बुरादा नहीं चिपका, लेकिन जब दूसरी बार आपने उसे डाला तो उसमें कुछ मात्रा में उसके सिरों पर लोहे का बुरादा जो है वो चिपक गया, अर्थात लोहे की जो छड़ थी उसमें हल्का सा चुंबकत्व जो है उसने प्राप्त कर लिया है। अब इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कम शक्तिशाली चुंबकों को काफ़ी समय तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए या गर्म किया जाए या अगर धोखे से छूट जाए, पटका जाए, पीटा जाए, तो उसका जो चुंबकत्व है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब चुंबक को उचित रख रखाव चाहिए होता है, है ना। इसीलिए हम चुंबकीय रक्षकों के भी चुंबक को रखते हैं। तो आप चुंबकीय रक्षक जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट ना हो इसके लिए हमें चुंबक के रक्षक की आवश्यकता होती है। नाल चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं उस पर चिपकने वाली जो लोहे की पट्टी होती है ना, उसके दोनों ध्रुवों पर लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट नहीं होता। इसके अलावा इनके बीच में हम चुंबकत्व की रक्षा अगर करना चाहते हैं
तो हम क्या करते हैं, जो दो छड़ चुंबक हैं उसके असमान ध्रुवों के पास पास रखकर, असमान ध्रुव मतलब एक तरफ अगर नॉर्थ है तो दूसरी तरफ साउथ, एक तरफ उत्तर है तो दूसरी तरफ दक्षिण, इस तरह उन्हें हम रखेंगे और उनके बीच एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है, ठीक है, और सिरों पर लोहे की पट्टियां लगा दी जाती है। तो ये बन गया हमारा चुंबकीय रक्षक, जो हमारे चुंबक की रक्षा करेगा और उसके चुंबकत्व को नष्ट होने से बचाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने पृथ्वी जो है उसे एक चुंबक के रूप में कैसे जाना है। देखा इसमें आपको क्या करना है, हमने देखा कि जब हमने सबसे पहले प्रयोग में स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से चुंबक को लटकाया था तो क्या हुआ था, वो चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर हो रहा था, है ना। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है वो इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि वो चुंबक हो, और जिसका उत्तर ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के पास, और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास हो। कहने का मतलब पृथ्वी के जो भौगोलिक उत्तर और दक्षिण हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष, है ना, और इसी के अलावा चुंबकीय उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के बीच लगभग 17 अंश का कोण होता है। और हम जानते हैं कि विपरीत ध्रुव जो है उनमें आकर्षण होता है, है ना। यही कारण है जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटके किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है वो भौगोलिक उत्तर की ओर स्थिर होता है। आपको पता है कि ये जो चुंबकत्व है पृथ्वी का, ये हम महसूस नहीं करते या मनुष्य इसका अनुभव नहीं करता, परंतु पशु पक्षी इसका अनुभव करते हैं। और यही कारण है कि जब पक्षी, प्रवासी पक्षी जो बहुत लंबी दूरी तय करके आते हैं, तो वो जो पृथ्वी है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ही उपयोग करते हैं, है ना मज़ेदार। अब आपको समझ में आया होगा कि पक्षी इतनी लंबी दूरी कैसे तय करते हैं, है ना बच्चा। ये देखिए मैंने इस चित्र में आपकी किताब से ही लिया है, इसमें पृथ्वी एक चुंबक के रूप में कैसे कार्य करती है उसका हमने चित्र दिखाया है। देखिए चुंबकीय अक्ष भी दिख रहा है इसको, इसमें आपको भौगोलिक अक्ष दिख रहा है और चुंबकीय अक्ष दिख रहा है बच्चों, और इसमें हमने दिशाएं भी दिखाई हैं, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, और पृथ्वी का भी अक्ष पे हमने नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण दिखाया है। तो इनके बीच में 17 अंश का कोण बनता है, ये भी आप देख के समझ रहे होंगे, ठीक। अब हम कुछ चुंबक के उपयोग की बात करें। ऐसे तो हमने इस पाठ को पढ़ के बहुत सारे प्रयोग किए और जान लिया कि चुंबक जो है उसके काफ़ी उपयोग हैं, पर फिर भी अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें क्या क्या जोड़ेंगे, देखिए बुलेटिन बोर्ड, चुंबकीय खिलौने, कुछ स्टिकर होते हैं जिसे आप देखिए जो फ्रिज है अपने घर में उस पर चिपका देते हैं, उसमें चुंबक होता है ना, या कुछ अलमीरा है उस पर भी हम इसको चिपकाते हैं, है ना, ये चुंबकीय स्टिकर्स, विद्युत घंटी, टेलीफोन, विद्युत जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर, फिर टेलीविज़न जिसे हम टीवी कहते हैं, है ना, लाउड स्पीकर, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें चुंबक का उपयोग होता है। डॉक्टर के लिए भी चुंबक जो है वो काफ़ी चिकित्सा में मददगार साबित होता है। कैसे, जैसे लोहे का कोई टुकड़ा आँख में चला जाता है तो चिकित्सक उसे विद्युत चुंबक द्वारा निकाल सकते हैं। कई धातुओं के जो अयस्क होते हैं उनमें से लौह अयस्क को चुंबक द्वारा अलग कर देते हैं। चुंबकीय कंपास को आपने जाना, जिसे हम दिशा जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर लोहे की अगर बहुत भारी वस्तुएं हैं और उन्हें हमें उठाना है तो उसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों हमने आज चुंबक के बारे में बहुत सारी बातें की, और हमने इस भाग 3 में क्या सीखा, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाना कैसे बनेगा, अचुंबकीय माध्यम के उस पार चुंबक का प्रभाव, उचित रखरखाव के अभाव में चुंबकत्व नष्ट होना,
चुंबकीय रक्षक, पृथ्वी एक चुंबक के रूप में और चुंबक के प्रयोग। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए, चुंबकीय प्रेरण क्या है आपने पढ़ा था, है ना? तो उसकी परिभाषा लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय रक्षक की आवश्यकता क्यों होती है, आपको पता है क्यों है? हाँ, चलिए तीसरा लिखिए, पक्षी लंबे प्रवास में पृथ्वी के चुंबकीय गुण का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। और चौथा प्रश्न, चुंबक के कोई चार उपयोग लिखिए। तो बच्चों, इस पाठ को हम आज यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इसके जितने क्रियाकलाप हैं इन्हें आप ज़रूर करेंगे और इस चुंबक वाले पाठ की जो आपकी अवधारणाएं हैं उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।